हम इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारे हाथ में जब कोई न्याय नहीं होगा, हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, हमारी बेटियां ही नहीं पढ़ेंगी, हम रास्ते से नहीं निकल पाएंगे तो क्या करेंगे वोट दे करके। बच्चियों के साथ बदतमीजी होती है, आए दिन किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी का जेब खनिया लिया जाता है, किसी को मारा जाता है, कौन सहारा देगा इस समय। हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, अगर हमारे यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं। एक चीज और, रोड नहीं तो वोट नहीं सही है, लेकिन नेता आएंगे, किसी भी तमाम पार्टियां हैं जो खड़े हैं, वो कहेंगे कि आचार संहिता लगी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो कहेंगे हमें जिताओ, उसके बाद हम इसमें करेंगे, वोट नहीं कर सकते हैं अगर हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे। स्मृति ईरानी हमारे यहाँ दीदी है, अगर कोई नेता आता है वो कहता है कि हमें जिताओ हम रोड बनवा देंगे, फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले हमारा रोड संहिता लगी है, वो यूपी में लगी है, लेकिन मामला तो रेलवे का है, केंद्र का है ना, तो सांसद को संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, और हमारा चुनावी सफर लगातार जारी है। हम अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, जहां पर विधानसभा की समस्या और जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो जो सामने लगा है बोर्ड उस पर हमारी नज़र पड़ी। आपको बता दें कि ये विधानसभा जगदीशपुर है, जहां पर पूरे ग्रामवासी मिलकर विधानसभा जो चुनाव होने वाला है 2022 में, यानी 27 फरवरी को, उसका विरोध कर रहे हैं। वजह यह है कि बोर्ड हर जगह पर लगा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो पूरी तरह से पूरा चुनाव का ही बहिष्कार कर रहे हैं, सिर्फ एक मांग है कि रोड बनवाई जाए। ये हमारे सामने अब जो भीड़ है, इसके पीछे रेलवे फाटक है, यानी ये रेलवे लाइन है, लखनऊ से ये हैदरगढ़ होते हुए मुसाफिर खाना सुल्तानपुर जाती है। यहाँ पर ये जो गेट नंबर है, क्रॉसिंग है, वो 137 है, ये बंद कर दिया गया है। ग्रामवासियों का कहना है कि यहाँ से जो गुजर, ये इनकी मेन रोड है जो जगदीशपुर हाईवे से जुड़ती है, और ये सीधे अंदर जाती है, जहाँ पर लगभग 50 गांव जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। तब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर चुनाव जो बहिष्कार उसका कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम वोट नहीं करने वाले हैं जब तक रोड नहीं बन जाएगी। गांव वाले हैं, हम इससे बातचीत करेंगे कि आखिर इनकी बात कहां तक पहुंची है, या फिर जो रेलवे की तरफ से क्या जवाब आया है, नेता नगरी जो है वो इस पर क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। पंडित सरयू प्रसाद मिश्रा। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? हम लोगों को ये दिक्कत है कि ये 137 गेट नंबर जो है रेलवे ने बंद कर दिया है। यहाँ पर आने जाने के लिए ना बच्चों को कोई रास्ता है, ना बेटियों के लिए कोई रास्ता है, सब लोगों के लिए असुविधा हो गई है। कितने दिन से बंद हुआ है? लगभग आज 6 तारीख को बंद हुआ है। अच्छा, रेलवे ने हम लोगों को कोई बताया भी नहीं, साइड से रोड दी है, ये कह रहे हैं कि आप लोग इस तरफ से जाइए। अच्छा, ये रोड इधर दिखा दीजिए कि रेलवे ने ये रोड बनाई है। कितने दिन पहले बनाई है? अभी लगभग 1 महीने पहले रोड बनाई है। अच्छा, अब हमारे लिए कह रहे हैं कि आप लोग इस तरफ से जाइए, आए दिन छीना झपटी जंगल के रास्ते में होता रहता है। अच्छा, ये जो जो रोड बंद किया गया है, ये कब से है ये रोड? ये लगभग जब ये रेल पटरी नहीं थी उसके पहले से ये रोड है, और रेल तो बाद में बनी हुई है। अच्छा, हाईवे से ये कहाँ तक गई है पूरी रोड? ये लगभग 50 गांवों को जोड़ती है। हाँ। हाईवे से 6 लाइन तक। अच्छा। 6 लाइन को ये जो है सुल्तानपुर और लखनऊ मार्ग है, इस मार्ग से 6 लाइन को भी जोड़ता है ये रोड। अच्छा। 50 गांव इससे प्रभावित हैं। कितने 50 गांव में लगभग कितनी आबादी होगी जो इससे प्रभावित होगी? लगभग 2.5 लाख वोटर हैं। अच्छा, 2.5 लाख वोटरों का जो है ये स्थान सब बंद हो गया है। नान नान बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाफरगंज बेचल जाते थे। अच्छा। आज मौजूदा स्थिति में वो नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासन क्या कह रहा है, उनसे कुछ बातचीत हुई? प्रशासन से आवाज करो, फोन करो, कोई आवाज ही नहीं उठाता है। हमारे प्रधानमंत्री और योगी जी कह रहे हैं कि हम आपको रास्ता देंगे, हाईवे से जोड़ेंगे। क्या है रास्ता? 137 बंद कर दिया गया है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। अगर यही रास्ता है तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। कितनी दूर से घूम के जाना पड़ता है इस रास्ते से बंद होने की वजह? इस रास्ते से बंद हो जाने के बाद में हम लोगों को 5 किलोमीटर घूम करके जाफरगंज आने को पड़ता है। अच्छा, बाजार जाने के लिए, सब्जी लाने के लिए 5 किलोमीटर हम लोग दौड़ करके जाते हैं। आए दिन छूना झपटी होती रहती है। तो रेलवे ने नई बना दी है, फिर क्या? ये जमीन रेलवे की है, हम लोगों का रास्ता जो है वो रास्ता नहीं दे रहे हैं। इस पर मेरा क्या अधिकार? ये तो रेलवे की रोड है। पहले तो इन्होंने बताया कि हम लोगों को रास्ता दे रहे हैं गांव को आने जाने के लिए, अब कह रहे हैं हम आपको आने जाने के लिए रास्ता दे रहे हैं।
ऐसा तो नहीं कि अब चूंकि आपको बता दें सरकार की तरफ से जो ये फाटक है हाँ। इनको खत्म करके अंडरपास बनाया जा रहा था हाँ, ऐसा तो नहीं ये बनाया जा रहा इस वजह से अभी बंद कर दिया है। नहीं नहीं ठीक है, अगर अंडरपास वो बना रहे हैं तो बनाए, हम लोगों को चाहे नीचे से रास्ता दें चाहे ऊपर से रास्ता दें, हम लोगों को रास्ता चाहिए। अगर क्या कह रहे हैं, अंडरपास का जो है यहाँ से कोई वो नहीं है, इस अच्छा। गेट को बंद कर दिया गया, अंडरपास जो बनाया जाएगा वो आगे बनाया जाएगा, अच्छा वहीं से हाँ। रास्ता वहीं से जोड़ दिया है हाँ, इस रास्ते को वहाँ से जोड़ा गया है, लेकिन हाँ। ये ब्लॉक करने से मेन रास्ता जो है हाँ। इसमें जितने भी ये फाटक हैं सबसे मेन रास्ता यही था। अच्छा तो ये बातचीत नहीं हुई जब बंद किया है किसी यहाँ पर कोई कर्मचारी या किसी से? एक बार किसी से उन लोगों को बताया नहीं, बस ये जो यहाँ का प्रशासन भी था लोकल प्रशासन था वो उन्हीं की तरफ उन्हीं के फेवर में था, हम लोग आए यहाँ पहुंचे लेकिन उन्होंने कहा कि कोई रोक ना लगाए नहीं मुकदमा हो जाएगा आपके खिलाफ ये हो जाएगा, अच्छा। तो जो प्रशासन था वो भी उन्हीं के फेवर का था, वो मतलब उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए प्रशासन भी यहाँ आया था, अच्छा। वो अब गांव के लोगों की आवाज रखने नहीं आया तो वो इसलिए आया था कि उसमें जो अब बाधा डालेगा उसको हम पकड़ लेंगे। कितना क्या दिक्कत होती है जो नया रास्ता बना है इसकी वजह से? हमारे बीच में इस नया रास्ता बन जाने से लोगों के बीच में बदतमीजी होती है, बच्चियों के साथ बदतमीजी होती है, आए दिन किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी का जेब खनिया लिया जाता है, किसी को मारा जाता है, कौन सहारा देगा इस समय? 137 सर ये जो बंद हो गया है इसके ठीक पीछे हम लोगों का खेत है, अच्छा। लगभग 3-4 बीघे हमारा है, खुद का अपना खेत है, बाकी हमारे जितने गांववासी हैं करीब 50-60 घर के लोग हैं उनकी ज़मीनें हैं। अब उनको अगर खाद डालनी होती है तो कम से कम 5 किलोमीटर घूम के वो खाद लेके जाएंगे सर पे रख के, तब वो खाद डाल पाएंगे। घर इधर है और खेत इधर है, खेत इधर दिक्कत होती है, बहुत सब दिक्कत होती है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सर मेरी 50 साल उम्र हो रही है और मैं जब से देख रहा हूँ ये सैकड़ों साल पुराना रास्ता है ये, अब आज इसको बंद कर दिया गया। यही बगल में हमारे एक सराय आलम पड़ता है, 136 गेट नंबर है, वो खुला हुआ है जबकि एक ग्राम सभा का खाली वो है, एक ग्राम सभा उससे जुड़ती है। कितनी दूर है दूसरा जहां से रास्ता फाटक दिया गया, कितनी दूर है यहां से? यहां 1.5 किलोमीटर दूर है यहां से, और एक करीब 1.5 किलोमीटर ये एक रास्ता है वो खुला हुआ है जो एक गाँव जोड़ता है सराय आलम को, वो रास्ता सुनसान है आने जाने के लिए, ठीक नहीं है सर। आप देख लें इस रास्ते से कोई भी दिन में भी नहीं जा सकता है, और शाम को 6 बजे के बाद तो आप पता ही नहीं निकल सकते क्योंकि जुआड़ियों का अड्डा है, वो लोग वहाँ बैठ के दारू पीते हैं, झाड़ी में छुप जाते हैं, कोई निकलेगा भैया माचिस है पता पकड़ लिया उसको छीन लिया जो भी है और भगा दिया मार दिया पीट दिया। आए बोतल हुआ दिखाई बहुत परी है, मतलब आने जाने के लिए रास्ता सेफ नहीं है, दिक्कत है, बच्चे स्कूल जाते हैं बच्चियां जाती हैं उनके लिए परेशानी है, परेशानी है, बहुत परेशानी है। सारी दिक्कत इसमें मेन जो है, जैसे ये रास्ता जो है ये रेलवे से पहले का रास्ता है, लेकिन उन लोगों ये कह के बंद कर दिया कि ये रेलवे का है हमारा तो हम इसको बंद कर रहे हैं, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? ये भी तो जगह रेलवे की है, कल ये भी बंद कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? 15 दिन पहले ये रोड अभी फाइनल हुई, 65 लाख रुपए गवर्नमेंट ने इसका दिया है, किस लिए दिया है? फालतू में दिया है अभी जल्दी बनी रोड भाई। ये तो समस्या है आपकी सही है वो अलग बात है, लेकिन हर 5 साल बाद आप लोगों का अधिकार आता है, मत का अधिकार, वोट का अधिकार, आपका हक है, तो वो क्यों आप बहिष्कार कर रहे हैं? हम इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं कि हमारे हाथ में जब कोई न्याय नहीं होगा, हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, हमारी बेटियां ही नहीं पढ़ेंगी, हम रास्ते से नहीं निकल पाएंगे तो क्या करेंगे वोट दे करके? तो इसमें किसकी कमी नजर आ रही है, नेता की या किसकी कमी आपको दिख रही है? इसमें नेता की कमी है, इसमें रेलवे विभाग की कमी है, जो कि हमें बेवकूफ बना करके और हमको रास्ता दिखा करके अब रास्ता को बंद कर दिया है। देखिए ये रेल जा रही है हाँ, तो वोट ना देने से तो कहीं हल तो नहीं निकलेगा ना। अगर नेता से दिक्कत है तो वो होता ना कि भाई जनता जनार्दन है, आप अपने मत का अधिकार कीजिए, बदलिए जो भी है, कोई भी विधायक यहाँ से उसको बदलिए, किसी और के पास जाइए, वोट ना देने से हल तो नहीं निकलेगा ना। नहीं, वोट ना देने से हल निकलेगा हाँ। DM SDM हमारा शासन प्रशासन कम से कम हमारी न्याय के लिए जो चिल्ला रहा है, हम इतना सुरक्षा दे रहे हैं जनता को, हमारी सुरक्षा को देखिए तो कम से कम आँख खोल करके कि बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकारमय है। 1 साल कोरोना में बीत गया, आने वाला समय हमारे लोगों के लिए रास्ते के लिए बंद हो रहा है, आए दिन समस्या पड़ रही है। अभी अब इलेक्शन 27 फरवरी को है यहाँ पर हाँ। नेता आएंगे हाँ। वोट मांगने आएंगे, नहीं देंगे तब आप लोग क्या कहेंगे उनसे? नहीं देंगे हाँ। हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे हाँ। अगर हमारे यहाँ रोड नहीं तो वोट नहीं। एक चीज और, रोड नहीं तो वोट नहीं सही है हाँ। लेकिन नेता आएंगे हाँ। किसी भी तमाम पार्टियां हैं जो खड़े हैं, वो कहेंगे कि आचार संहिता लगी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तो कहेंगे हमें जिताओ, उसके बाद हम इस पे करेंगे, वोट नहीं कर सकते हैं अगर हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे। स्मृति ईरानी हमारे यहाँ दीदी है, अगर कोई नेता आता है वो कहता है कि हमें जिताओ
हम रोड बनवा देंगे, फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले वो, पहले रोड हमारा, पहले हमारा रोड। आचार संहिता लगी है और यूपी में लगी है, लेकिन मामला तो रेलवे का है, केंद्र का है ना, तो सांसद को संज्ञान लेना चाहिए। सांसद अगर चाहेंगे या रेलवे मिनिस्टर से बात करेंगे तो रेलवे के प्रशासन पर, रेलवे के काम पर थोड़ी आचार संहिता लगी है, वो तो इस गेट को खोल सकते हैं ना। तो यहाँ तो जो विधायक हैं वो राज्य मंत्री हैं, सांसद जब थे तब तो हम लोग बहुत, हाँ सांसद जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनके पास इस समस्या की कुछ लिखित चिट्ठी गई है, कुछ बात पहुंची है, सब कुछ गया है, सब कुछ गया है। कम से कम 200 मीडिया वाले आ चुके हैं, सारे मोबाइल पे है। या 3 महीने पहले एक बार काम लगाया था फिर से रोकने के लिए, हम लोगों ने रोका था। सारी चिट्ठी डीएम को भी दिया गया, एसडीएम को भी दिया गया, कोई जवाब नहीं मिला हम लोगों को कहीं से। इधर अस्पताल कोई है अंदर, यही आना पड़ता है? सारे इधर है, इंडो गल्फ जो भी है, जो भी सारा हॉस्पिटल जो है इधर ही है। दिक्कत होगी फिर घूम के जाना है? अरे हम लोग बहुत समस्या झेल रहे हैं, बच्चों को बीमार हो जाते कैसे लेकर के जाएं, जिसके पास में साधन नहीं वो साधन को कैसे लेकर के जाए। डबल गाड़ी आ जाती है, कहते तुम्हारे लिए रोड है, आए अभी कल भी गाड़ी पलट गई है, कैसे हम लोगों को लेकर के जाएं, कैसे दवाई कराएं। क्लास में पढ़ते हो? 10। अच्छा, तो स्कूल कहाँ है? ये जाफरगंज में। अच्छा, तो घूम के जाना पड़ता है? 5-6 किलोमीटर जाता हूँ गाड़ी से। अच्छा, अभी अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो पूरा बहिष्कार होगा अगर ये वोट नहीं बने? पूरा बहिष्कार होगा इस बार। हम चाहते हैं हम आंकड़ चाहे ऊपर से रास्ता दे चाहे नीचे से रास्ता दे, हम लोगों को रास्ता चाहिए। अगर रास्ता मिल जाएगा हम लोग खुल करके मतदान करेंगे। अगर विधायक के पास गए, यहाँ पर जो है सबके पास जा रहे हैं, कोई कुछ सुन नहीं रहा है, हमारे फोन को करने के बाद भी फोन नहीं उठा रहे हैं, ना मंत्री उठा रहे हैं, ना एसडीएम साहब उठा रहे हैं। हमको चाहिए यही तो 5 साल में मौका आता है ना, अगर फोन आपका नहीं उठा रहे हैं तो बदलिए फिर। नहीं तो हम बदलेंगे, हाँ। लेकिन पहले हमारा काम को करके दिखाओ, जिन्होंने वादा किया था हमसे वोट लेकर के, हाँ। अगर वो वोट नहीं दे रहे, हम वोट नहीं दे रहे हैं तो उनको खुशी हो रही है। अच्छा। हमको रोड दे दे हम वोट देंगे। कोई जवाब नहीं आ रहा उनके? कोई जवाब नहीं आ रहा, हमको केवल रोड चाहिए। 50 गाँवों को रोड चाहिए, कम से कम 2.5 लाख मतदाता कम से कम प्रभावित होते हैं। तो अगर जब तक ये समस्या चलती है, इसी बीच में चुनाव भी आने वाले हैं, फिर वोट आप लोग नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। रोड नहीं तो वोट।